देखो जरा एक दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम लोग पहले और समझें। देखो जैसे हम लोगों ने ये देखा कि अगर मान लो x बराबर a पर कोई फंक्शन एफ एक्स डिफरेंशिएबल है ना, तो कंफर्म है कि एफ एक्स कंटिन्यूअस होगा, है ना। ये बात ध्यान रखो, अगर किसी पॉइंट पर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंफर्म है कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, ठीक। अच्छा एक बात हम लोगों ने ये पढ़ी थी कि इफ एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस, है ना, इंप्लाइज एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, है ना। ठीक, देखो एक बात हमने ये भी पढ़ी थी कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है किसी पॉइंट पर तो इसका मतलब वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा उसी पॉइंट पर, है ना। ये किसी पॉइंट पर हम चेक कर रहे हैं, ये ध्यान देना, किसी पॉइंट पर ये सारी बातें चेक कर रहे हैं हम। पहला बात तो ये कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा, और अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। ये दो बातें हमेशा हमको याद रखनी है ना। देखो ये तो हम पहले ही पढ़ चुके थे कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, और ये एक इंपॉर्टेंट बात हमने आज सीखी, है ना, कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हमेशा कंटिन्यूअस होगा, है ना। ध्यान रखना, अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हमेशा कंटिन्यूअस होगा। कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है, मैंने क्या बताया था, कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल तब होता है जब मैंने क्या बताया था कि उस पर एक टेंजेंट एग्जिस्ट करे और उस टेंजेंट का स्लोप कितना होगा, फाइनाइट, है ना। उस पर एक टेंजेंट एग्जिस्ट करे और टेंजेंट का स्लोप कितना होगा, फाइनाइट। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का स्लोप, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों की वैल्यूज बराबर हो और फाइनाइट हो, बात बराबर है ना। कोई भी फंक्शन अगर किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो उसका मतलब क्या होता है, उसका एक मतलब तो ये होता है कि उस पॉइंट पर एक टेंजेंट एग्जिस्ट कर रही है, बल्कि ऐसा कहना चाहिए कि उस पॉइंट पर एक यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट कर रही है और उस टेंजेंट का स्लोप क्या होना चाहिए, फाइनाइट। याद कर लो इस बात को, है ना। किसी भी पॉइंट पर अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसका मतलब क्या होता है कि उस पॉइंट पर एक यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट कर रही है और उस टेंजेंट का स्लोप क्या है, बोलो, फाइनाइट है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर किसी पॉइंट पर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उस पॉइंट पर उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर हैं और फाइनाइट है, दोनों बातें कह सकते हैं, है ना। तो ध्यान देना, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पर तो हमेशा कंटिन्यूअस होगा, और अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। देखो क्या होता है, ये मैथ्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, क्या, कि अगर P इंप्लाई Q है तो माइनस Q इंप्लाई माइनस P हमेशा होगा। अगर मान लो P के होने पर Q हो रहा है तो माइनस Q के होने पर माइनस P हमेशा होगा। ये अपने आप में मैथ्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, ध्यान रखना, है ना, कि अगर P इंप्लाई Q है तो माइनस Q इंप्लाई माइनस P हमेशा होगा। ये 11th क्लास में एक टॉपिक है मैथमेटिकल रीजनिंग, उसमें ये कॉन्सेप्ट दिया गया है। हो सकता हमने वो टॉपिक ना पढ़ा हो, लेकिन अगर टॉपिक नहीं पढ़ा फिर भी आप ये बात याद रखिए, है ना, कि अगर P के होने पर Q होगा तो माइनस Q के होने पर माइनस P होगा। देखो वही यहां पर है, जैसे ये P है और ये Q है, तो माइनस Q इंप्लाई माइनस P, माइनस का मतलब नॉट लग गया। जैसे मान लो अगर हम इसको P मान लें कि डिफरेंशिएबल है तब कंटिन्यूअस होगा, तो P इंप्लाई Q, तो माइनस Q, माइनस Q का मतलब नॉट कंटिन्यूअस, इंप्लाइज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक। तो ये एक मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट लॉ होता है ना, इसको हम लोग
कंट्रा पॉजिटिव भी कहते हैं, कंट्रा पॉजिटिव, ठीक है, ध्यान देना। अब देखो क्या होता है कि जैसे ये दो रूल है, इसके अलावा अपने मन से कोई रूल ना बना लेना। जैसे अगर मान लो हमने कहा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, अगर मान लो हमने कहा कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो डिफरेंशिएबल के बारे में कुछ नहीं कह सकते, ध्यान देना, डिफरेंशिएबल क्वेश्चन मार्क। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल के बारे में कुछ नहीं कह सकते, ठीक। चौथी बात, अगर मान लो फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है, अगर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है तो भी कंटिन्यूअस के बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्वेश्चन मार्क, ध्यान रखना। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तब कंटिन्यूअस होगा, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, ये दो रूल हैं। लेकिन अगर मान लो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल के बारे में कुछ नहीं कह सकते, डिफरेंशिएबल हो भी सकता नहीं भी हो सकता, और अगर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस के बारे में कुछ नहीं कह सकते, है? मतलब ये दोनों रूल हैं, लेकिन ये दोनों कोई रूल अपने आप में नहीं है, तो ऐसा कोई नियम अपने दिमाग में ना बना लेना। एक बात और ध्यान देना, जैसे मान लो अगर किसी पॉइंट पर हमने राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला और मान लो फाइनाइट आया, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला वो भी फाइनाइट आया मान लो, और अगर मान लो दोनों इक्वल नहीं है, देखो अगर दोनों इक्वल हुए तब तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, कंफर्म है, और डिफरेंशिएबल होगा तो कंटिन्यूअस भी होगा। लेकिन मान लो अगर दोनों इक्वल नहीं हुए, दोनों फाइनाइट हैं लेकिन इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, है ना? इसका मतलब ये हुआ अगर दोनों इक्वल नहीं हुए तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हुआ, लेकिन फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात। मतलब आपने लेफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव निकाला, है ना, आपने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला, मान लो दोनों फाइनाइट है, मान लो दोनों फाइनाइट है लेकिन दोनों इक्वल नहीं है, अगर दोनों इक्वल नहीं है इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, लेकिन ऐसे केस में फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। कैसे केस में? जब दोनों डेरिवेटिव फाइनाइट आ रहे हों, ये बात ध्यान देना, जब दोनों डेरिवेटिव फाइनाइट आ रहे हों और बराबर नहीं हो। देखो अगर दोनों डेरिवेटिव बराबर हुए तब तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस वैसे भी है, और अगर दोनों डेरिवेटिव बराबर नहीं है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है लेकिन फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। कब? जब दोनों डेरिवेटिव फाइनाइट आ रहे हों, ये बात ध्यान देना। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों फाइनाइट आ रहे होंगे तो अगर वो बराबर नहीं भी है तब भी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो ये कुछ बातें इंपॉर्टेंट, ध्यान रखो सब बच्चे। जैसे अभी देखो हमने इसी कॉन्सेप्ट का पिछले क्वेश्चन में यूज भी किया था कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा। अभी इससे पहले जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसमें हमने इसी कॉन्सेप्ट का यूज किया था, है ना? तो ये बातें याद रखो, ठीक है, लिखो सब बच्चे ध्यान से। और हाँ, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तब तो हम जानते ही हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट y की वैल्यू तीनों आपस में बराबर होंगे, है ना? अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट y की वैल्यू तीनों आपस में बराबर होंगे, ये बात हम जानते हैं, ठीक है, लिखो सब बच्चे ध्यान से।